जम्मू कश्मीर के शोपियां में सर्च ऑपरेशन के दौरान सोमवार तड़के सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एक आतंकी मारा गया जबकि एक अन्य संदिग्ध की भी मौत की खबर है। यह मुठभेड़ मोलू-चित्रगाम क्षेत्र में हुई। सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन के लिए निकले थे तभी आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी। मारे गए संदिग्ध व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है। इससे पहले 31 मई को भी शोपियां के दुर्गढ़ सुगन क्षेत्र में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF और पुलिस के संयुक्त अभियान में 3 आतंकी मारे गए थे। यहां सुरक्षा बलों को 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। जाकिर मूसा भी मारा गया। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के त्राल में 24 मई को कथित तौर पर अलकायदा के आतंकी जाकिर मूसा को मार गिराया था। मूसा बुरहान वानी की मौत के बाद हिजबुल का कमांडर बना था। बाद में उसने कश्मीर में अलकायदा से जुड़ा संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद शुरू किया था। इसके बाद 28 मई को अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे। इस साल 101 आतंकियों को मार गिराया। सेना के अफसरों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने घाटी में इस साल 31 मई 2019 तक 101 आतंकियों को मार गिराया। इनमें 23 विदेशी और 78 स्थानीय आतंकी शामिल हैं। सबसे ज्यादा शोपियां में 25 आतंकी मारे गए जिनमें 16 स्थानीय शामिल हैं। वहीं पुलवामा में 15, अवंतीपोरा में 14 और कुलगाम में 12 आतंकी मारे गए। अफसरों ने कहा कि मार्च से अब तक 50 युवा विभिन्न आतंकी संगठनों में शामिल हो चुके हैं। बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं का आतंकी संगठनों से जुड़ना चिंता का विषय है।